अब आ जाते हैं हमारे किचन हैक की तरफ। और हमने जो बात की थी, सवाल किया था कि फ्रेश अंडा कैसे चेक किया जाए। चलिए जी, इसके ऊपर कुछ हमने अंडे ऐसे डिफरेंट जगहों से लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट। एक तो मेरी करीब की नज़र बहुत शदीद कमज़ोर हो गई है। अच्छा, आप लोग कहाँ नज़र आ रहा है? आ रहे हैं, ये ले, ये क्या डेट आ रही है इस पर? मुझे ऐनक लानी पड़ी। अच्छा चलें। अच्छा जी, ये अंडा हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया। ये देखें, ये जब ये अंडा साइड से देखें स्ट्रेट नहीं है, ये साइड से, ये देखें इसको आप जैसे भी करेंगे, ये देखिए टेढ़ा है। ये फ्रेश से थोड़ा सा, यानी अभी ठीक है, काम चल जाएगा इसका, बट इट्स स्टिल नॉट दैट फ्रेश। ये अंडा देखते हैं, ये भी दोनों सेम कैटेगरी के हैं। चले, उसके बाद ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट नहीं रह रहा तो फिर ये इतना फ्रेश नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसका पानी कम करते हैं और हम आ जाते हैं मज़ीद अंडों की तरफ। ये आ गए एक और, ये भी वही इसी कैटेगरी का। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, अगर ये साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है तो फिर ये फ्रेश नहीं है। वैसे कमाल है, पाकिस्तान में अभी आजकल इतनी गर्मी में भी मुझे अंडे जो नज़र आए हैं सारे काफ़ी फ्रेश हैं, बेहतर हैं। जो ऊपर फ्लोट करेगा वो अंडा जो है इतना फ्रेश नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि ये फ्रेश अंडे और स्टेल अंडे में फ़र्क क्या है। जब आप इसको बॉईल करते हैं, अभी हार्ड बॉयल्ड एग्स हैं, इसके अंदर जो स्पेस बनी हुई जो कैविटी है, ये कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जब अंडा आप बॉयल करके निकालते हैं ना, तो अंदर इसमें जो गैप निकलता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अंडा कितना फ्रेश है। जितना बड़ा गैप होगा उतना ही अंडा स्टेल होगा। तो इसको भी हम छील लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश अंडा है। ये अंडे के ऊपर आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी शेप बनी हुई। अगर थोड़ा सा साइड पे दबा होता, इसकी कैविटी बढ़ जाती, तो फिर ये अंडा स्टेल होता है। ये इंतहाई फ्रेश अंडा है। इसके अलावा एक और अंडा छील देते हैं और वो भी आपको बताते हैं। तो सिंपली बाज़ार से जैसे आप लेके आ रहे रेगुलरली, उनसे एक आध दफ़ा हफ्ते में अगर आप ये चेक कर लें, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इधर फ्रेश अंडे यूज़ करें। देखें, ये इसका गैप देखें, इसमें थोड़ा सा गैप है लेकिन इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी आपको दिखाते हैं अंडे की फ्रेशनेस चेक करने के लिए, और वो ये है। इसको एक तरफ रखा और ये अंडे को हमने तोड़ के आपको दिखाना है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, अब ये अंडा जो इसका वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसकी सफ़ेदी, इसके साथ एक रिंग पूरा नज़र आ रहा है। ये जितना जोड़ा होगा, ये दो रिंग बन गए। एक ये रिंग बना है, उसके अंदर एक और रिंग है। ये आपको बता रहा है कि ये इतना फ्रेश अंडा नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पे फ्रेश अंडा होता तो इसकी सफ़ेदी बिल्कुल एक साथ होती। और ये अंडा अभी जो है, ये समझ लें कि तकरीबन हफ्ता आठ दिन पुराना है, इतना फ्रेश ये नहीं कहलाएगा। और सम टाइम्स होता ही है कि आप जैसे अंडे को तोड़ा तो सारी सफ़ेदी बिल्कुल फैल जाती है। और जब बिल्कुल सफ़ेदी फैल जाए तो इसका मतलब ये है कि अंडा बिल्कुल भी ताज़ा नहीं है। सो मेक श्योर कि अंडा जब भी तोड़ें, इसका वाइट आपको एक साथ नज़र आएगा। ठीक है जी।